ग्राफ पेपर, जो भी आपके पास है, कोई टेक्स्ट है, कोई हेडलाइन है, कुछ भी है, अगर आप इसके अंडर कोई इस तरह के ग्रिड्स लगाना चाहो तो ग्राफ पेपर से ग्रिड्स लग जाती हैं। ग्रिड्स यहां से लगती हैं, ग्राफ पेपर डी इसकी शॉर्टकट की है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो, ऊपर देखो चार कॉलम्स एंड रोज, यहां से जितने आप बढ़ाना चाहो, सेट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, 6 रोज 3 कॉलम्स, स्ट्रोक का वेट 3 पॉइंट्स, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल जो भी रखना है रख दो, और क्लिक बस ड्रैग करके ये बना दो। इस तरह आपके पास जितनी आपने कॉलम गए थे, पहले कॉलम के लिए है, दूसरा रो के लिए है, ठीक है, पहला कॉलम है दूसरा रो है, ये आपके पास इस तरह क्रिएट कर देता है। और अगर आप इसमें ये चाह रहे हो कि आर्टिस्टिक मीडिया यूज करना, वो भी कर सकते हो, एक अच्छा सा इफेक्ट आपके पास आ सकता है। आर्टिस्टिक मीडिया ये मैंने आपको काफी रोज पहले ये करवाया था, अगर आप इनको अप्लाई करना चाहो ऑन योर दिस ग्राफ पेपर, आप कर सकते हो। ग्राफ पेपर जो आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस होगी, उसको अब बाकी इसके मार्क्स को, अगर स्ट्रोक को कम करना है, आप स्ट्रोक को कम कर दो, 1 पॉइंट समथिंग है, कम करना है कम कर दो, तो तभी आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफ पेपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रेड्स के ऊपर, अगर आप आर्टिस्टिक मीडिया यूज करना चाहो वो कर दो, स्ट्रोक की वैल्यू सेट करनी है वो कर दो, लाइन स्टाइल चेंज करना है वो कर दो, कलर चेंज करना है वो कर दो। अब ये 1 पॉइंट समथिंग है, काफी हैवी वैल्यू यहाँ पे इस वक्त है, छोटे होते हुए टाइम लगेगा, और अगर मैं इसको जल्दी से करना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। तो बताने का मतलब है कि ये 0.5 कर देते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट नजर आ रहे होंगे, है वही उतनी कॉलम 6 रोज 3। और अगर आप इसके स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी लो करना चाहो, लाइक फिलिंग कम करना चाहो, स्ट्रोक कम करना चाहो, ग्राउंड को परिस्थिति दिखाना चाहो, समथिंग लाइक दिस, यू कैन डू इट। यहां तक कि अगर आप चाहो इसको ब्रेक कर सकते हो, अनग्रुप करके, अनग्रुप कर दो, अनग्रुप करके ईच एंड एवरीथिंग आपकी अलहदा अलहदा भी दिखा सकते हो। बार बार आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह विजिबिलिटी चाहिए, कोई रोटेशन करके कुछ इस तरह करना है, कोई इसको इसको पकड़ के कुछ इस तरह करना है, कोई आपने स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस कुछ इस तरह के बॉक्सेस बना के इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, साइज छोटा करना है, रोटेट करना है, स्क्यू करना है, एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यहां तक कि इसके अंदर इमेजेस को भी लोड कर सकते हो। एक तो ये मैंने आपको सिंपल इमेजेस को लोड करके दिखाते हैं, दोबारा से देख लो। ग्राफ पेपर आपको अलाउ करता है कि आप जितनी रोज और जितने कॉलम्स आप बनाना चाहो, मुझे सिर्फ यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए और 2 रोज चाहिए, ये लो, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये प्रेजेंस होगी इसकी। ठीक है, अगर आप कितने भी क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, साढ़े 11 साढ़े 12 पौने एक एक बच्ची है, नहीं वो तो 11:30 से स्टार्ट कर दी थी मैंने, चले अभी बस लास्ट 2। अच्छा ये जी आपने यहाँ पे जैसे एक ग्राफ पेपर के थ्रू कॉलम एंड रोज बनानी है, अगर आप यहाँ पे चाहो इफ यू वांट टू पुट समथिंग इमेज इन इट लाइक दिस, ये देखो ये इमेज, अभी एक सिंगल इमेज है, अगर आप ये सिंगल इमेज को इसके इनसाइड पुट करना चाह रहे हो, पावर क्लिप भी कर सकते हो, ये देखो। अच्छा पावर क्लिक करने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि आप राइट क्लिक करके ड्रॉप करके पावर क्लिप इनसाइड कर दिया करो, दोबारा से देखो। एक तो तरीका ये है ना, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड किया, फिर इधर क्लिक किया तो इसके इनसाइड आ गया, और इसको फिट कर दो प्रोपोर्शनली, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिट हो गया, अंडू कर दो। आसान सा तरीका ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लेफ्ट नहीं करना, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ड्रैग करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर आओगे, एक छोटा सा आपको दायरा नजर आएगा, ये आपको जैसे इसके ऊपर रिलीज करोगे बटन तो आपको कहेगा क्या करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, या इसको पावर क्लिक करना है, पावर क्लिक करना है, ठीक है। बाकी ये ऑप्शंस ऊपर वैसे ही हैं प्रोपोर्शनली। अब इसका एक फायदा ये हो सकता है कि इसको अगर आप ब्रेक पार्ट कर दो, अनग्रुप जिसे बोलते हैं, अनग्रुप कर दो, ये देखो
ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग हो गया। बार बार आपको पजल गेम बनानी पड़ती है, कुछ इस तरह करके ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ता है, तो ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग हो चुकी है, समझे बात को। बार बार आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट ब्रेक करना पड़ सकता है, कोई बिट मैप इमेज को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में शो करना पड़ सकता है। तो एक अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हो, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। बार बार आपको इस तरह की इसकी प्लेसमेंट करनी पड़ती है, पेपर कोई यहाँ कोई इस तरह का कि आपके पास कोई कंटेंट है उसके ऊपर प्रिंटिंग आपने निकालनी है, जिसमें ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके आपने इस तरह दिखाना है। यू कैन डू इट अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और यहाँ तक भी पॉसिबल है कि आप हर एक कंटेनर में अलग अलग ऑब्जेक्ट भी रख सकते थे। लाइक मुझे एक प्रोडक्ट लिस्ट बनानी है, लिस्ट है कुछ आइटम्स की और उनके इमेजेस यहाँ पे लोड करने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये बनाया। बनाने के बाद इसको अगर आप इसके अंदर इसका आउटलाइन देना चाहो आउटलाइन दे सकते हो, कलर देना चाहो कलर दे सकते हो। यू कैन डू ईट एंड एवरीथिंग, ये आपको पता है यहाँ से हमने ये सारी चीजें कर दी। फिर अगर आपने इसके अंदर इमेजेस रखने हैं, चार चार आठ रखने हैं इमेजेस, आठ इमेजेस को ले आता हूँ। और ये जी हमारा आखिरी काम, जिसमें ये मेरे पास कुछ कलेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले जी इंपोर्ट। एक एक काम करना है, आपने इसको अनग्रुप कर लेना, पहले अनग्रुप करके इसके अंदर ड्रॉप करते जाओ। ड्रॉप करने के लिए फॉर्मूला वही, राइट क्लिक एंड देन ड्रॉप, राइट क्लिक एंड देन ड्रॉप। समझ आइए, बाद आपको जरूरत पड़ सकती है ग्राफ पेपर को यूज करके ये काम किया जा सकता है। ये स्टिल अलग है, वो आपकी मर्जी है कि अगर आप इसको अलग से भी दिखाना चाहो ऑन योर पेज, यू कैन डू इट। समझ आ रही बात की। इस तरह अगर आपको पेजेस रेडी करने हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप ग्राफ पेपर को यूटिलाइज करके इसकी बाउंड्रीज वगैरह लगानी हो, आर्टिस्टिक मीडिया यूज करना हो, ग्राउंड के ऊपर से शो करना हो, अलग अलग कंटेनर के तौर पे यूज करना हो, सिंगल कंटेनर पे यूज करना हो, अनग्रुप करके अलग अलग यूज करना हो, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज ऑल अबाउट अ ग्राफ पेपर। इंशाल्लाह इम्पैक्ट टूल, इम्पैक्ट टूल आप यूज करते हो इफ यू वांट टू जनरेट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, एक पैरेलल इम्पैक्ट होता है जो कि आपको राइट साइड के ऊपर दिख रहा है और नहीं ह्यूमन फेस, और एक आपको रेडियल इम्पैक्ट है जो कि आपको कैट के ऊपर दिख रहा है। इस इम्पैक्ट को जो कि रेडियल और पैरेलल हो सकता है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। और इम्पैक्ट जनरेट करते हैं ऑन सम काइंड ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, अगर आप करना चाहो टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। फॉर दिस यू हैव टू गो इन कॉरल, और कॉरल में जब कभी आपको इम्पैक्ट जनरेट करने हो तो ये टूल आपको अलाउ करता है। कोई आपने पोस्टर बनाना हो, कोई आपने काइंड ऑफ इस तरह का स्टफ बनाना हो जिसमें आपको इम्पैक्ट टूल का जरूरत पड़ जाए, तो इम्पैक्ट टूल का रोल क्या होता है वो बताने लगा हूं। टूल नेम इज इम्पैक्ट टूल। इन साइड दीज टूल्स एग्जिस्ट करता है ये सेकेंड लास्ट के ऊपर इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसमें दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, एक पैरल कहलाता है एक रेडियल कहलाता है, ठीक है। तो आपने इसको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले पैरल इम्पैक्ट को देख लेते हैं। पैरल इम्पैक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके साथ कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी कुछ आपकी अवेलेबल नहीं है, जैसे इनर बाउंड्री अवेलेबल नहीं है या आउटर बाउंड्री अवेलेबल नहीं है। तो ये अभी थोड़ी देर में ये भी अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन है, फिर इसके साथ ये कुछ दो चेक बॉक्सेस हैं, रैंडम स्टार्ट रैंडम एंड, फिर ये मिनिमम मैक्सिमम इसकी लाइन की विड्थ है, और साथ में लाइन की विड्थ जो होगी मिनिमम मैक्सिमम उसके दरमियान के स्टेप्स हैं। उसके बाद फिर ये लाइनों की स्पेसिंग है, फिर ये आपकी स्पेसिंग स्टेप है, और ये जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसमें ये स्टाइल आपको दिख रहे होंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी जिसमें पूरी लाइन एक जैसी है, विड्थ कहीं कम ज्यादा नहीं है। एक में आप देख रहा होगा दोनों साइड शार्प हैं, दरमियान में आपका विड्थ ज्यादा है। एक में दोनों एजेस राउंड हैं, दरमियान में विड्थ ज्यादा है। एक में आपका एक एज शार्प है, दूसरा एज वाइड है, ठीक है। तो आप इसमें से जो भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला ही रखते हैं, ठीक है।
और ये 85% है, इसको आपने वाइडेस्ट पॉइंट सेट द पोजिशन ऑफ द वाइडेस्ट पॉइंट अलॉन्ग द लाइन 85% के ऊपर हमने रखा। और ये देखो, ये जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे मैंने रिलीज किया, तो ये देखो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन जो सेट है उसके मुताबिक लाइन स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। इसको अगर आप चेंज करोगे, इसको अगर आप क्लोजली वॉच करो, तो इसके दोनों एंड्स शार्प हैं, देख रहे हो, दोनों एंड्स शार्प्स हैं। और अगर आप ये वाला ऑप्शन ले लेते हो, ये दोनों एंड्स स्ट्रेट हो जाएंगे जैसे कि आपको दिख रहा है। अगर आप इसको थर्ड वाले ऑप्शन जाओगे, दोनों एंड्स आपके राउंड हो जाएंगे लाइक दिस। और अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हो तो एक एज बहुत ही स्मार्ट है और दूसरी तरफ थोड़ा सा वाइड है। अगर आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहो पैरेलल वेरिएशन में, तो विड्थ यहाँ से बड़ी ज़्यादा, लाइन विड्थ यहाँ से आप बड़ी कर सकते हो। दोनों इस वक्त मिनिमम भी 0.007 है, मैक्सिमम भी 0.007 है। इसको ज़रा मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लेना सिंपल वे में। और उससे पहले अगर आप रोटेट करना चाहो, एंगल इस वक्त जीरो है, इसको 15 डिग्री कर देते हैं मिसाल के तौर पे। ये देखो, ये आपकी लाइंस है 15 डिग्री पे, एंगल वाइज इसने वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर दिया। ये देख रहे हो, लाइन आपकी थोड़ी सी डायगनल हो गई। इसको अगर आप मजीद करना चाहो 30 डिग्री कर देते हैं। तो लाइन का स्टाइल जो भी लगा हुआ है इसमें, डिग्री 30 डिग्री 50 20 जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है, स्ट्रेट वर्जन हो जाएगा इसका। उम्मीद आपको इसकी एंगल की समझ आ गई होगी विद पैरेलल। उसके बाद मैं आपको अगली प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जो स्टाइल है जो भी लगा हुआ है, मैं स्ट्रेट वाला ले लेता हूँ, इसमें दोनों एंड्स पे अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, दोनों एंड्स स्टार्ट सेम पॉइंट से हो रहे हैं, एंड भी सेम पॉइंट पे हो रहे हैं, ऐसे ही दिख रहा है ना आप लोगों को। लेकिन अगर आप चाह रहे हो इसका स्टार्ट और जो है वो रैंडम हो जाए, ये देखो ये स्टार्ट रैंडम हो गया, चेक करो ये स्टाइल आ जाएगा लाइनों का, ये स्टाइल आ जाएगा। अप्लाई कहां करना है वो अलग से एक हमारा स्टेप होगा। तो ये देखो स्टार्ट, देखो ऑफ करूं, देखो स्टार्ट ऑफ, इस तरह एंड देखो, यहां से देखो, ये ऐसा आपका स्टाइल पैरेलल लाइंस का डेवलप करता है इंपैक्ट टूल, जिससे आप अपनी जो क्रिएट किया हुआ पैटर्न है, लाइन स्टाइल है, उसके मुताबिक उसका स्टार्ट और एंड को यहां से कंट्रोल कर लेना। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। फिर ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम विड्थ कितनी है लाइन की 0.007, और मैक्सिमम भी तमाम लाइनों की 0.007 ही है। लेकिन आप चाह रहे हो मिनिमम ठीक है 0.007 रहे, मैक्सिमम जो है इसको 0.05 कर देते हैं, 0.05 कर देते हैं। ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपकी एक लाइन 0.007 है, दूसरी लाइन 0.050 है, इसी तरह 0.07, 0.05, 0.07, 0.05। अब ये जो आपको एक लाइन मिनिमम के साथ है, एक मैक्सिमम के साथ है, अगर आप इसमें स्टेप डालना चाहो, मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान में स्टेप डालना चाहो, स्टेप यहां से डाल दीजिएगा। ये देखो विड्थ स्टेप्स हो जाएंगे, मिनिमम 0.007 और मैक्सिमम 0.05 के दरमियान में स्टेप्स आ जाएंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में एक स्टेप इसने यहां पे जनरेट कर दिया। इसको आप यहां से बढ़ा सकते हो, और स्टेप आ गए, दो स्टेप आ गए, ठीक है, एक मिनिमम दिख रहा होगा, एक मैक्सिमम दिख रहा होगा, दरमियान में दो स्टेप आ गए ना, ये देखो हर एक के दरमियान में दो स्टेप आ गए, हर एक के दरमियान में दो स्टेप आ गए। यहां से आप तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, पांच भी कर सकते हो। तो ये मिनिमम है 0.007 और मैक्सिमम कितना है 0.05। अब आपको उम्मीद है इसका एंगल ऑफ रोटेशन, रैंडम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, और मिनिमम और मैक्सिमम के साथ स्टेप की भी समझ आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट है रैंडमाइज। रैंडमाइज क्या करता है कि आप अगर इस पे क्लिक कर दोगे तो ये आप देख रहे हो रैंडमाइज वाइड ऑर्डर हो गया। अभी तरतीब है ना, ये देखो
थिकनेस एक तरतीब के साथ कम या ज्यादा की तरफ जा रही है, देख रहे हो, बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, पांच स्टेप्स दरमियान में ऑर्डर के साथ हैं। लेकिन ये ऑर्डर अगर आप नहीं रखना चाह रहे, आप रैंडम करना चाह रहे हो, इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, रैंडमाइज वाइड विड्थ ऑर्डर, रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द स्टेप बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ। ये लो, अब आपको कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे एक जैसी आपको स्टाइल नजर आ रहा होगा, तो ये अगर आप रिक्वायर्ड हो तो ये भी ऑन करके कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए ऑफ कर दो। उम्मीद है इसके बटन की भी समझ आ गई होगी। अब आ जाओ आगे, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग सेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लाइंस इन द इफेक्ट। ये अभी जो इम्पैक्ट का इफेक्ट आपने जनरेट किया है, इसमें आप यहां से जो स्पेस है इक्वल है, मिनिमम एंड मैक्सिमम इनके दरमियान में स्पेस इक्वल है। आप चाहते हो कि ये जो मिनिमम स्पेस तो चले यही रहे, मैक्सिमम हम इसको पॉइंट पॉइंट थ्री कर देते हैं। चलो ये ले, ये देख रहे हो मिनिमम स्पेस लाइनों के दरमियान में पॉइंट वन और मैक्सिमम पॉइंट थ्री जीरो। इसमें भी आप स्टेप्स दे सकते हो यहां से, ये लो स्पेसिंग स्टेप। अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो तो इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके जो आपने लाइन स्पेसिंग दी है, दरमियान में जो स्पेसिंग दी है, उसमें भी वेरिएशन रख सकते हो। और अगर आप कहा जाए या आपको यहाँ पे इसमें करना हो कि सेम रखनी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, देख रहे हो पॉइंट वन जीरो जीरो सबसे कम होगी इनमें, और पॉइंट थ्री जीरो आपको जगह जगह पे नजर आ रही होगी जो मैक्सिमम हो सकती है पॉसिबल। क्या आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आ रही है? और अगर इसको दोबारा से मैं नॉर्मल करना चाहूं स्पेसिंग को 100, ये देख रहे हो सेम हो गई। इस तरह ये ऑप्शंस को आपने तरतीब लगा लेना है। लाइन स्टाइल आपने यहां से ये रैंडमाइज है, स्पेसिंग ऑर्डर ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये उस वक्त नजर आएगी जब ये डिफरेंट होंगी वैल्यूज। ये रैंडमाइज है, ये इक्वल आ गई, ये रैंडमाइज कर दी, कभी आगे कभी पीछे, ऑर्डर मतलब इसका रैंडमाइज स्पेसिंग ऑर्डर, कहीं ज्यादा आ रही है ना, ये देखो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये रैंडमाइज अभी अभी ये रैंडमाइज नहीं है, अभी ये रैंडमाइज नहीं है, जैसे इसको क्लिक करोगे अभी ये रैंडमाइज हो गई, देख रहे हो स्पेसिंग बिटवीन दीज इम्पैक्ट पैरेलल लाइंस। जहां तक लाइन स्टाइल है आप यहां से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जो आपको रिक्वायर्ड हो, दोनों एजेस शार्प चाहिए एजेस शार्प ले लो, दोनों एजेस राउंड चाहिए दोनों एजेस राउंड ले लो, दोनों एजेस के बजाय एक एज शार्प चाहिए एक वाइड चाहिए ये ले लो, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो यहाँ पे वेरिएशन आप यहाँ पे दे सकते हो। उम्मीद है आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आ रही होगी। अब मैं जरा आपको सिंपल सा एक वर्जन दिखाना चाह रहा हूं, स्पेसिंग भी मैं जो थी वही कर देता हूं। ये देख रहे हो ये वो स्टाइल है जो स्टार्ट में था, मिनिमम मैक्सिमम साथ सेम सेम, और इसी तरह जो स्पेसिंग है बिटवीन लाइनों के वो भी सेम सेम। अभी स्टेप मैंने कोई रखा है नहीं रखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है, इसको आप ये देखो जी। अब आपको इसको लगाना किधर है? अच्छा है, अगर आप चाह रहे हो कि इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर दी जाए, चलें दोनों को इकट्ठा बढ़ा देते हैं, पॉइंट जीरो फाइव और इधर भी पॉइंट जीरो फाइव कर देते हैं। लाइनें देख रहे हो कितना प्रोमिनेंट हो गई हैं। अब ये इंपैक्ट जो आपने अभी जनरेट किया है ये आप लगा सकते हो, कहाँ लगा सकते हो? आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे इंपैक्ट टूल के थ्रू ये काम करना है, ये कोई आपका मूवी पोस्टर है तो ये आपने इसके ऊपर इसको लगाना है ठीक है। और इंपैक्ट किसके ऊपर लगाना है, चलें पहले मैं इंपैक्ट आपको एक टेक्स्ट के ऊपर लगा देता हूं, लाइक आई हैव ए टेक्स्ट,
ये टेक्स्ट हो गया, आप इसके ऊपर लगाना चाह रहे हो मूवी टाइटल के ऊपर, वेट बढ़ा लेते हैं, कोई थिकनेस फॉन्ट वाइज ज्यादा वाली ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये जो आपने इंपैक्ट जनरेट करना है, इनसाइड करना है इस टेक्स्ट के या आउटसाइड रखना है, ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे इंपैक्ट में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इसके यहाँ पे इंपैक्ट इसके रखना है इसके इनसाइड, ठीक है। अब आपने अपने टेक्स्ट लिख दिया, आपने अपनी इंपैक्ट जो जनरेट करना है वो लाइन स्टाइल लगा दिया। अच्छा, अब इसमें एक काम करना है, आपने टेक्स्ट को रखना है बिहाइंड, क्या करना है टेक्स्ट को रखना है बिहाइंड, तो बिहाइंड कर लेते हैं और इसका लाइन का स्टाइल जो है कलर जो है वो चले रेड कर देते हैं, ठीक है। यहां से आपको नजर भी आ रहा है कि ये इंपैक्ट जो लाइंस लगी ये बैक पे है, इसको फ्रंट पे लेके आना है, तो फ्रंट पे लाने के लिए शिफ्ट पेज अप कर दो, ये फ्रंट पे आ गई लाइंस, या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इंपैक्ट टूल ये ऊपर, और ये अगर नीचे लेके आना यहां से नीचे भी ला सकते, ये नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है, ये आपने कर लेना है। और एक और काम करना है, अपने टेक्स्ट को कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना जरूरी है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व्स, ये अब जब आपने कर लिया है अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, इस इंपैक्ट को इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने लगाओ, इंपैक्ट टूल पे चले जाओ, और यहां से आपने इसका कौन सा वर्जन रखना है, क्या इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है या इसका ये आपने आउटर बाउंड्री क्रिएट करनी है या आपने इनर बाउंड्री क्रिएट करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे ये इनर बाउंड्री इसने क्रिएट कर दी, लेकिन इसके लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, वो ये पहला दोबारा से सुन लो, दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कर्व्स में कन्वर्ट करके और उसको बिहाइंड रख के। नंबर टू आपने इंपैक्ट टूल पे जाना है, नंबर थ्री आपने दोनों में करके दिखा देता हूँ, पहले इनर बाउंड्री करके दिखा देता हूँ, इनर बाउंड्री पे क्लिक कर दो, अब किसके इनसाइड ये आपने लेके आना है इसके, ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया इसने इसके इनसाइड इसके कनेक्ट कर दिया होगा, चेक कर लो, ये देख रहे हो, ये है जी इनसाइड इंपैक्ट। दोबारा देखो, अगर आपने इसको फुल वर्जन करना था तो इस टेक्स्ट को प्रॉपर इसके ऊपर रख देते यहां पे ऐसे, ठीक है, यहां पे आप अपनी टाइटल लिख देते, और टाइटल लिखने के बाद इसके ऊपर आपने इंपैक्ट जनरेट करवाने हैं, आप इसके ऊपर इस तरह इसको रख दो ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिएगा किस तरह खूबसूरती से आपका इंपैक्ट इसके ऊपर लगने लगा। इंपैक्ट टूल पे जाओ, दोनों को सिलेक्ट कर लो, पहले इंपैक्ट टूल पे जाओ और यहां पे जाके इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इसके टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है लाइक दिस, ठीक है। और ये करने के बाद आप अपनी इन जो इंपैक्ट लाइंस हैं इनको साइड पे कर दो ऐसे, और टेक्स्ट को साइड पे कर दो इस तरह, यू कैन सी लाइक दिस, ये इंपैक्ट इनर बाउंड्री का जनरेट हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा, इस बार मैं आउटसाइड करवाता हूं, दोनों को सिलेक्ट किया और ये नेक्स्ट ऑप्शन है आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री पे क्लिक कर दो और इस टेक्स्ट को आपने क्लिक करना है, ये एरो आएगा ना ये वाला माउस का, इस टेक्स्ट को क्लिक करना है, ये लो ये आउटर बाउंड्री, और आउटर बाउंड्री से ये टेक्स्ट के ऊपर ये इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप साइड पे करना चाहो साइड पे कर दो, ये आपका इंपैक्ट इस तरह जनरेट करके उसने एक ऐसा टेक्स्ट का वर्जन क्रिएट कर दिया जिसमें ये आपका टेक्स्ट का इंपैक्ट आउटर बाउंड्री से ये जनरेट हो गया। इनर बाउंड्री में और आउटर बाउंड्री में फर्क है, ठीक है, ये अब आप इस तरह अपने, और फर्दर अगर आपने कोई इसमें इमेजेस वगैरह लेके आने हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या करना है, आपने कोई भी इमेजेस अगर आपके पास हैं आपने डाउनलोड कर रखे हैं तो आप उनको इंपोर्ट करके ला सकते हो लाइक दिस। जो भी आपने मूवी पोस्टर बनाना है उसमें आप अपनी प्रेजेंस जो है उसकी कर सकते हो विद दीज,
तो जब कभी आपको इम्पैक्ट टूल को यूज़ करना है तो इसके दो वेरिएशन हैं और एक मैंने आपको बता दिया है, आप दूसरा भी देख लो। ये है जी इसका पैरेलल वर्जन। जहां तक इसकी सेकंड ऑप्शन है, ये है जी रेडियल। रेडियल पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर आप रेडियल पे क्लिक करते हैं तो रेडियल की ऑप्शन क्या करती है, इम्पैक्ट टूल पे आपने क्लिक किया, पैरेलल की बजाय रेडियल को आप एक्टिवेट कर दो, और रेडियल पे एक्टिवेट करने के बाद यहां पे उसी तरह इसकी भी रोटेशन है, इसका भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है स्टेप्स के साथ मिनिमम, और ये इसके लाइन स्टाइल। अब ये जैसे ही आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये देखो एक रेडियल सर्कल आ जाएगा विद दोज लाइंस लाइक दिस, दिख रही है आपको। इसको आप लाइन स्टाइल यहां से, वेट यहां से बढ़ा लो थोड़ा, दिखने के लिए मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही इकट्ठी बढ़ा देता हूँ, 0.5 कर देते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 0.7 चले कर देते हैं, थोड़ा सा फर्क 0.05, ये बहुत ज्यादा हाई होगी वैल्यू, ठीक है, इसको कम कर देते हैं 0.05। ये यहां पे आपको लाइन नजर भी आनी शुरू हो गई, ये 0.05 वाली है लाइन, ठीक है। और दूसरी हम कर देते हैं पॉइंट, चले मान की कर देते हैं, ये देखो इसमें अब आपको दो वर्जन नजर आ रहे होंगे रेडियल में। ये सेंटर पॉइंट से होता है, ठीक है, उसमें पैरेलल था, स्टार्ट और एंड था, इसमें सेंटर पॉइंट से एक रेडियल वर्जन आपका बन के आ गया, इंपैक्ट एक क्रिएट कर दिया गया। अब आपने आगे क्या करना है, आगे यहां पे सेम वही चीज है, ये रोटेशन करने के लिए होता है, ठीक है, जितना आपने रोटेट करना है इसको आप रोटेट कर सकते हो, अगर आपको कुछ आगे पीछे करना हो डिग्री वाइज इसको रोटेट कर सकते हो, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वर्जन जो है ना आपको ज्यादा समझ आएगा पैरेलल में। जहां तक ये रैंडमाइज है ये वही काम करेगा जो पैरेलल में करता है। ये देखो स्टार्ट पॉइंट, देखो स्टार्ट पॉइंट, ये देखो सेंटर में, गौर कीजिएगा सेंटर स्टार्ट जो है कहीं पहले हो गया कहीं बाद में हो गया, रैंडम हो गया ना, और ये अगर आप नहीं करना चाह रहे इसको ऑफ कर दो, ठीक है। और अगर इसकी एंड पॉइंट पे गौर करो, एंड एक ही पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, अगर आप इसको एंड पॉइंट को रैंडम करना चाहो एंड पॉइंट को भी रैंडम कर सकते हैं लाइक दिस, ये देखो कहीं पहले कहीं कम कहीं बाद में कहीं कहीं पूरा राउंड शेप में उसकी क्लोजिंग हो रही है कहीं वो थोड़ा पीछे हट रहा है, ठीक है, तो ये रैंडमाइज यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहां पे मिनिमम मैक्सिमम विड्थ भी मैंने बता दी, इसकी जो सबसे कम है वो 0.05 है और ज्यादा जो है वो 0.1 है, ये वैल्यू आपने दे दी। फिर इसके अंदर स्टेप डाल सकते हो, इन दोनों के दरमियान में स्टेप्स आ जाएंगे 0.05 के और 0.1 के दरमियान, ये देखो ये देख रहे हो सबसे कम और सबसे ज्यादा में ये स्टेप आ गए, दो तीन कर दूं ये तीन आ गए, सबसे ज्यादा और सबसे कम में आपके तीन स्टेप आ गए, और इनके दरमियान में स्पेसिंग इक्वल है, क्यों, मिनिमम 5 है और मैक्सिमम भी 5 है, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंट करना चाह रहे हो, मिनिमम और मैक्सिमम को अलग अलग डील करना चाह रहे हो, ये देखो मिनिमम इन लाइनों के दरमियान में 5 है और मैक्सिमम 8 आपका डिग्री के ऊपर स्पेसिंग आ रही है रेडियल में, ठीक है। हाँ, इसके दरमियान में जो आपका स्टेप है, स्पेसिंग स्टेप है, स्पेसिंग स्टेप भी यहां सेट कर सकती है, देखो जितना करना है आप कर लो। फिर लाइन का स्टाइल आपको पसंद नहीं है चेंज कर लो, ये लो ये राउंड वाला आ गया वर्जन, ये स्ट्रेट वाला आ गया, ठीक है, ये शार्प एंड दूसरी साइड पे आपका इनसाइड देखो शार्प है, आउटसाइड इसकी वाइड है, ये आप यहां से सारा कर लीजिएगा। और इसको इम्पैक्ट को आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर करना हो टेक्स्ट पे कर लो, जो मैंने पिछली बार पैरेलल के साथ किया था आप इस बार भी कर सकते हो, और इनर और आउटर उसी तरह अवेलेबल है, और इसको अगर आप किसी शेप पे करना चाहो तो वो भी किया जा सकता है, शेप आप ला के उसके ऊपर भी ये कर सकते हो। अभी एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, क्लिप्स को लेके आते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, और उससे पहले मैं इसकी वैल्यूज को वैसे ही कर देता हूं जैसे स्टेप अगर आपने
नहीं रखना ना रखो सेम कर दो, मिनिमम मैक्सिमम इसको भी सेम कर देता हूँ। आपको अगर ये चाहिए आप ये रखो, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद ये लाइन स्टाइल आपको ये वाला सही लग रहा है, रेंडमाइज करना चाहो रेंडमाइज भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम को करना पड़ेगा स्पेसिंग में। अच्छा अब आप लेके आते हैं जी यहाँ पे कोई शेप, शेप आप कोई भी ला सकते हैं, कोई आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप्स है वो भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि मैं टेक्स्ट में जाके ग्लिप्स ले आता हूँ कोई, ये जैसे ये ग्लिप है या कैट का ग्लिप ले आता हूँ। अच्छा ग्लिप्स अगर आपको यहाँ पे नजर ना आए तो उसके लिए आपने एक काम करना है, यहाँ पे आपने फॉन्ट लेना है वेबडेंग्स के नाम से, ये नीचे आ जाओ डब्ल्यू की लिस्ट में, ये यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है। वेबडेंग्स ले लो, विंगडिंग्स ले लो, कोई भी, इसमें काफ़ी सारी शेप्स मिल जाएंगी आपको। जो करंटली रिक्वायर्ड है लिस्ट में से वो आप सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये इम्पैक्ट टूल का रोल यहाँ पे आपको समझ आना शुरू हो गया होगा। तो आपने जिस के ऊपर इम्पैक्ट जनरेट करना है उस शेप को यहाँ पे ले आओ, लाइक आई वॉन्ट टू यूज दिस शेप ठीक है। इस शेप को लाने के लिए चूंकि ये ग्लिप्स टेक्स्ट के अंडर आता है तो आप टेक्स्ट को पहले इंसर्ट कर लो लाइक दिस, क्लिक करके डबल क्लिक करो ताकि ये शेप आ जाए। जब ये शेप आ गई ग्लिप्स को बंद कर दो। अब चाहे इस शेप को थोड़ा साइज हम कर लेते हैं, ये आ गया ठीक है, इसको हम प्लेस कर लेते हैं पिक टूल से यहाँ पे जहाँ प्लेस करना चाहो आप प्लेस कर लो। लेकिन इसका तरीका वही याद रखना स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले चूंकि ये टेक्स्ट है ठीक है, ये टेक्स्ट से आप लेके आए हो तो राइट क्लिक कर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। नंबर टू, इसको प्लेस कर देना बिहाइंड दोज लाइन्स। अगर लाइन्स का मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको पता लगेगा, राइट लेफ्ट किया कलर चेंज हो गया। ये लाइंस देखो ये आपकी बैक साइड पे है, नॉट ऑन फ्रंट ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो जैसे ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो इसके ऊपर इंपैक्ट जनरेट करवाने हैं इस टेक्स्ट के ऊपर या इस जो शेप के ऊपर आपने इंपैक्ट जनरेट करवाने हैं, तो इंपैक्ट के लिए मैं यहाँ पे ये देखो क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे आपने इस शेप को बिहाइंड ले जाना है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है और ऑब्जेक्ट पैनल में ये चूंकि आपका टेक्स्ट कर्व में कन्वर्ट हो गया इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ, ये नीचे चला गया ठीक है। अब आपने इसके ऊपर इंपैक्ट जनरेट करने के लिए इंपैक्ट टूल ऑन करो, ये वाला इंपैक्ट टूल ऑन करो और यहां पे आपने जो काम करना है जिसके ऊपर करना है उसको भी सिलेक्ट कर दो, मतलब दोनों को सिलेक्ट कर, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों जैसे सिलेक्ट हो गए इंपैक्ट टूल में गए और इंपैक्ट टूल में लास्ट सेक्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री। चले दोनों मैं इसका दोनों वर्जन आपको दिखा देता हूं, आउटर और इनर दोनों वेरिएशन आपको दिखा देता हूं। एक काम करता हूं इसकी एक कॉपी बना लेते हैं सेम सेम, दोनों को मैं साथ साथ दिखा देता हूं। ये देखो आउटर और इनर बाउंड्री में फर्क क्या है, फर्स्ट इनर कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया इंपैक्ट टूल में गए, ये जी इनर बाउंड्री, इनर बाउंड्री पे क्लिक किया और इस शेप के ऊपर क्लिक कर दो, ये देखो ये आपकी इनर बाउंड्री, इसको जरा साइड पे कर लेते हैं, ये इनर बाउंड्री के थ्रू क्रिएट किया गया एक इंपैक्ट है, ये देख रहे हो उस शेप का यहां पे कट पीस आपको नजर आ रहा है ठीक है। ये तो हो गया इसका ये वर्जन इनर बाउंड्री का, ये अगर आपको पसंद नहीं आया आप इसको चेंज कर लो, ये वाला स्टाइल आपको सही नहीं लग रहा आप इसको चेंज कर लो। चेंज करने के लिए यहां से चले जाओ, स्ट्रेट वर्जन लेना है स्ट्रेट वर्जन ले लो ठीक है, जो आपको चाहिए राउंड कॉर्नर्स चाहिए राउंड कर लो। और ये करने के बाद अब दोबारा से देखो दोनों को सिलेक्ट किया बिहाइंड रखने के बाद ठीक है, ये याद रखना इंपैक्ट टूल में गए और इंपैक्ट टूल में इनर ये लो अप्लाई ऑन दिस शेप लाइक दिस ठीक है। तो ये आप इस तरह इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप आउटर के साथ जाते हो ठीक है, आउटर के साथ जाते हो तो आउटर ये करता है, ये लो। कभी आपको इस तरह का रिक्वायर्ड हो कोई इंपैक्ट ये आउटर के साथ है ठीक है, ये आउटर के साथ इस तरह का रोल प्ले करता है। कभी आपको अपने
करंट पेज के ऊपर इम्पैक्ट यूज करना हो टूल का, तो ये इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट रेडियल एंड पैरेलल इम्पैक्ट विदर इट्स, ये इफेक्ट स्टाइल्स हैं दो। इसके साथ ये आपके दो डिफरेंट वर्जन हैं जो इनर और आउटर के साथ आप अप्लाई होंगे विद दीज प्रॉपर्टीज। दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल के बाद नेक्स्ट टूल की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। इस टूल को अगर आप इस्तेमाल करके अपने पेज के ऊपर इसको यूज करना चाहो, यू कैन डू इट। और वैसे ही आपने यहीं पे रखना हो तो वो भी कर सकते हैं, जस्ट आपने इम्पैक्ट टूल को एक्टिवेट करना है, रेडियल वर्जन लेना है या पैरेलल आपने ये बना देना है इस तरह, और इसको जब आप रेडियल चाहिए रेडियल रख लो, ऐसे ये रेडियल आ गया, ठीक है। इसके ऊपर कोई आप अपने इमेजेस की प्लेसमेंट करना चाह रहे हो लाइक दिस, यू कैन डू इट ऐसे, ठीक है। कभी आपको ऐसे भी रिक्वायर्ड हो सकता है जिसमें, और बाकी अगर आप इस इम्पैक्ट के ऊपर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहो, जो कि मैंने वेट का बताया आपको, यहाँ से आप इसको करके हाईलाइट कर सकते हो, अपने इस इम्पैक्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिहाइंड कर लेना इसको, लाइन स्टाइल कलर आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, शिफ्ट पेज डाउन कर दो, शॉर्टकट की आपको बताई भी है पीछे रखने के लिए। वैसे इसको सिंपल यूज़ करना वो भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसका पैरेलल वर्जन देखना चाहो तो पैरेलल वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप उसके साथ इसको दिखाना चाहो तो वो भी दिखाया जा सकता है। पैरेलल में ये स्ट्रेट लाइंस आती हैं, इम्पैक्ट में पैरेलल। पैरेलल पे क्लिक कीजिएगा, रोटेशन देख लीजिएगा, मिनिमम मैक्सिमम देख लीजिएगा, और मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिंग देख लीजिएगा, लाइन का स्टाइल आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा और यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइंस आपको बिल्कुल लाइट सी नजर आ रही है। इसको आप वेट बढ़ा लीजिएगा जितना का आपको चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, लाइंस कलर्स चेंज कर देता हूं। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इस तरह भी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी प्रेजेंस दिखा सकते हो विदाउट जनरेटिंग एनी आउटर और इनर, ठीक है। नेक्स्ट टूल, दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट।